दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम बात करने वाले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले थर्ड T20 मैच का। अगर थर्ड T20 मैच की हम लोग बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों टीमें जो है वो एक एक मैच जीत चुकी है। हालांकि लास्ट मैच जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक आप कह सकते हो कि सुपर ओवर का जो है वो मैच आपको देखने को मिला था। जिस तरह का अभी क्या मैचेज हो रहे हैं, सीनरी हो रहा है और लास्ट मैच जो आप डेफिनेटली कर सकते हो कि बिल्कुल आपकी एक तरह का फाइनल ही है और जो प्रेशर होगा वो दोनों टीमों पर बहुत ही अच्छे तरीके से होगा इस सीरीज़ को जीतने का। और जितना मज़ा जो है वो लोगों ने उठाया उतना ही मज़ा जो है आपको ये मैच देखने में मिलेगा। तो बात करते हैं क्या क्या जो है यहाँ पर हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप सेशन एंट्री में जो है प्रॉफिट बनाओ तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पर जो सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और साथ में आप कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट बनाने की जर्नी है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो होने वाला है थर्ड T20 मैचेज होने वाला है संडे को 25 सितंबर को। टाइमिंग जो होगा वो 7 बजे से होगा और ग्राउंड जो है वो होगा राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा। हैदराबाद की अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो आपको देखने मिलेगा कि हैदराबाद जो है वो ग्राउंड बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है। हालांकि अभी तक जो बैटिंग यहाँ पे हुआ है उसके हिसाब से देखोगे तो बैटिंग ग्राउंड नजर आएगा, लेकिन ये ग्राउंड जो है मेनली एक एवरेज ग्राउंड की तरह बिहेव करता है। और हमें पता है कि हैदराबाद इससे पहले अगर सीरीज देखोगे स्पिनर पर बहुत रिलाई करता था तो वो ग्राउंड भी जो है वैसा ही बनाते थे IPL में। लेकिन यहाँ पर जो है IPL में जो है ग्राउंड बनता तो वैसा मिलेगा नहीं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा ग्राउंड जो है वो कोशिश किया जाएगा कि बैटिंग फ्रेंडली बनाया जाए ताकि जो मैच में रोमांच है उस तरह से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम रिसेंट में T20 मैचेस की बात करते हैं तो एक खेला गया है जिसमें से जो है सेकंड मैच जीता था और फर्स्ट बैट जो है यहाँ पे 207 था और 208 रन का टारगेट जो है यहाँ पे चेस हो गया था। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे वेदर फोरकास्ट का, तो आप देखोगे कि हैदराबाद में जो है वो 33 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहने वाला है और अभी जो है बारिश की चांसें 30% के आसपास है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि मैच डिले हो जाए बारिश के चलते, लेकिन हम लोग चाहेंगे ही कि मैच जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो और किसी तरह का डिले जो है आपको यहाँ पर देखने को ना मिले। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर, तो टॉस के ज़्यादा चांसेस है कि इंडिया टॉस जीते जो है पहले बॉलिंग करने की कोशिश करेगा। और अगर हम टीम न्यूज़ की बात करें दोनों टीमों में जो है कोई बदलाव तो होने वाला है नहीं। जो लास्ट मैच में हालांकि देखोगे कि इंडिया ने जो है बैट्समैन थोड़ा सा ज़्यादा खिलाएगा तो वो फिर से जो है एक्सचेंज करके अपने बॉलर को जो है ले आएंगे और बाकी सारी चीज़ें जो है आपको कॉमन रहने वाले जो ऑस्ट्रेलिया खेला था उसी प्लेयर के साथ जो है ये खेलेंगे। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे जो दोनों टीमों के आप देखोगे की प्लेयर कौन कौन से, तो आप देखोगे हमने रात मैच में रोहित शर्मा को देखा, उससे पहले KL राहुल, विराट कोहली फॉर्म भी जो है वो अच्छा था। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का फॉर्म काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जसप्रीत बुमराह का फॉर्म भी जो है अच्छा देखने को मिल रहा था। अक्षर पटेल का फॉर्म बहुत ही बढ़िया है, दोनों मैचों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो आप ये जो प्लेयर्स हैं आप इनको पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है एरन फॉन्च, कैमरन ग्रीन का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, स्टीवन स्मिथ का फॉर्म भी अच्छा है, मैक्सवेल का फॉर्म अभी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप चाहो तो पिक चल सकते हो, एक टीम में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे नेथन एलिस को जो है लास्ट मैच में उन्होंने निकाल तो जरूर दिया था, लेकिन आप इस मैच में देखो थोड़ा सा अलग सीनरी है तो हो सकता है फिर से वापस आए। और इसके अलावा जब आप देखोगे एडम जंपा का फॉर्म जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, हैदराबाद में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जॉस एडवर्ड को हालांकि लास्ट मैच में थोड़ा सा महंगा जरूर पड़े थे लेकिन फॉर्म जो है वैसे रिसेंट में देखोगे काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस का, तो दोनों टीमें जो है लो जो लास्ट दो दो मैचेज हुआ है दोनों एक एक जीती है, एक एक हारी है, तो अभी जो है इक्वल पोजीशन पर है दोनों टीमें और दोनों टीमों के पास चांसेस है कि दोनों टीमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनल मैच जो है वो आप यहाँ पर खेल सकती है, इंजॉय कर सकती है। हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमें जो है अभी तक 24 मैचेस खेल चुकी है जिनमें से जो है 14 इंडिया जीता है, 10 जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीता है। और डीम लेव टीम की हमें भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट बनाने की जो जर्नी है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। चलिए एक बार देखते हैं डीम लेव टीम और फिर करते हैं वीडियो को एंड। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर डीम लेव टीम का, डीम लेव टीम में आप देखोगे कि सबसे पहले जो यहाँ पर विकेट कीपर डिपार्टमेंट में लेना है तो उसके हिसाब से जो आप यहाँ पर देखोगे मैथ्यू वेट का फॉर्म बहुत ही अच्छा है, दोनों मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, दोनों मैच में जो है नॉट आउट रहे हैं। इसलिए हम बैटिंग की बात करते हैं, बैटिंग में जो है रोहित शर्मा को ले सकते हो, सूर्य कुमार यादव को, एरन फिल्म्स का फॉर्म भी ठीक चल रहा है, KL राहुल का फॉर्म भी ठीक चल रहा है। और इसके अलावा ऑलराउंडर में जो है आप यहाँ पर हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल को ले सकते हो। इसके अलावा क्रिस ग्रीन का फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है। बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग में जो है आप यहाँ पे जो है एडम जंपा को पिक कर सकते हो, फॉर्म काफ़ी अच्छा है। नेथन एलिस जो है लास्ट मैच में थे नहीं तो अगर ये रहेंगे तो जरूर पिक चल सकते हो, इनका भी फॉर्म काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो है बुमराह को ले सकते हो और इसके अलावा जो है आप यहाँ पे जेस सजरेड को जो है पिक कर सकते हो। तो ये जो होगा टोटल हमारे लिए 11 प्लेयर होगा, लेकिन अभी यहाँ पर हमने गलती थोड़ा सा जो है जरूर किया है क्योंकि बैटिंग में जो हमने इंडिया के बैट्समैन ज़्यादा लिया है और बॉलर जो है हमने यहाँ पर दो जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पिक कर लिया, तो थोड़ा सा जो है वो अनबैलेंस टीम जरूर होगा क्योंकि अगर बैटिंग परफॉर्म करेगा तो बॉलिंग नहीं करेगा, बॉलिंग करेगा तो बैटिंग नहीं करेगा हमारे हिसाब से। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जो है हम लोग जो है वो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए जो हम लोग एक जो है सूर्य कुमार यादव को हटा देते हैं
और यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं या तो स्टीवन स्मिथ को या फिर जो है आप यहाँ पे टीम डेविड को ले सकते हो। मैंने स्टीवन स्मिथ को जो है पिकअप किया है, या फिर इनके जगह जो आप मैक्सवेल को चाहो तो मैक्सवेल को पिक कर सकते हो। तो ये जो है ऑल्टरनेट ऑप्शन है, आप जिसको चाहो उसको पिक कर चल सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, तो कैप्टन जो हमने अक्षर पटेल को बना लेते हैं और वाइस कैप्टन जो है हार्दिक पांड्या या फिर जो है यहाँ पे क्रिस गेल को जो है बना के चल सकते हो, कि अभी के लिए जो है इनका काफ़ी अच्छा फॉर्म चल रहा है या फिर मैथ्यू वेट का फॉर्म जो है काफ़ी अच्छा है। तो आप जो है उस फॉर्म को रिस्पेक्ट करोगे और यहाँ पर जो है बना के चल सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन। यहाँ से आप देख सकते हो टीम भी, और इस टीम के साथ आप कोई भी जो है वो लीग खेल सकते हो। इसके लिए आपको और भी टीमें चाहिए तो व्हाट्सएप पे जो है आपको मिल जाता है, जहाँ से जो है आप एक अच्छा सा जो है वो टीमें मिल जाएगा और एक अच्छा सा जो है आप लीग खेलने के लिए तैयार हो जाओगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।